नमस्कार, मैं तुषार राय। तुषार राय साक्षात्कार मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मुझे बहुत गर्व है आप लोगों पे, जो भी मुझे कमेंट्स करके बोलते हैं या जो भी अपना लेसन पूरा करके मेरे से कमेंट्स में बातचीत होता है मेरा, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने सीखा है और कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो सीखा जरूर है, बस ज़्यादा नहीं है लेकिन जरूर सीखा है कुछ। मुझे इससे बहुत खुशी है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग और भी बहुत ज़्यादा सीखें और मेरे से भी अच्छा बजाएं। आप कोई इसमें गुंजाइश नहीं, बिल्कुल अच्छा से सीखेंगे और बजाएंगे भी, ठीक है। मैं बोला था प्रार्थना में तो बजाइए, लेकिन मैं आज एक ऐसे बात करने वाला हूँ कि आप लोगों का थोड़ा जो सैक्सोफोन से रिलेटेड है, लेकिन आप लोगों का जो क्लास जो जैसे मैं लेसन दे रहा हूँ उस लेसन के मुताबिक नहीं है, थोड़ा अलग चीज़, क्योंकि हम जिसके ऊपर जो अभी तक जो भी किस चीज़ किया है नहीं किया है, मुझे कमेंट्स भी आया है बीच में कैसे इसका रख रखाव कैसे रखना है क्या है वो है उसके बारे में थोड़ा मतलब मेंटेनेंस के बारे में हम बात करेंगे आज। हाँ, तो ज़रूरी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो इसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा जो जैसे मैं रखता हूँ, जैसे मैं अपना ये सैक्सोफोन का ख्याल रखता हूँ, हाँ तो उस तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, उसके बाद फिर और इसके बारे में करेंगे। हाँ, देखते रहिए, आशा है जो मैं करूँगा बाद आप लोगों से अच्छा लगेगा और काम का ही चीज़ बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। कोई बिना मतलब का टाइम पास मैं नहीं करता हूँ, ना ही करूँगा कभी, उम्मीद है। हाँ चलिए, एक बार पहले देख लेते हैं कि मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, उसके बाद मैं क्रोमेटिक स्केल बजाऊँगा एक बार, ठीक है। और किसी किसी लोगों का मतलब कुछ लोगों का क्वेरी था कि क्रोमेटिक स्केल समझ में नहीं आ रहा है, वो भी मैं क्लियर करूंगा इस आज क्लास के दौरान, ठीक है। पहले मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में क्रोमेटिक स्केल के बारे में वंस अगेन मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मेरा लेसन दिया हुआ था, दो क्लास में एक लेसन कवर किया था और मैं मेंटेनेंस दिखाने के बाद फिर एक बार मैं आप लोगों को एक ही लेसन में कवर करूँगा जल्दी जल्दी क्रोमेटिक स्केल कैसे बताएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते कैसे मेंटेनेंस किया जाता है सैक्सोफोन। आप लोगों को इंस्टॉलेशन का मालूम है ना, तो ये मेरा चेताऊ अल्ट्रा सैक्सोफोन चेताऊ है, चेताऊ का है, देखिए लोगो लगा हुआ है। तो ये मेरा 2010 दिसंबर का खरीदा हुआ है, ये राजू भी वैसे नया जैसे है, मैं ऐसे मेंटेन करके रखता हूँ, देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छा से मेंटेन करता हूँ मैं। तो इसको मेंटेनेंस करने का तरीका क्या है, मेरे को इनिशियली इस सैक्सोफोन के साथ मेंटेनेंस के लिए ये किट मिला था, ये मिला था, ठीक है। और इससे कैसे मेंटेनेंस किया जाता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे मैं हम लोगों ने सैक्सोफोन बजाने के बाद इसके अंदर जो हमारा मुँह का जो स्टीम निकलता है अंदर से, वो इसके अंदर जम जाता है थोड़ा थोड़ा करके, जम के इसमें पानी जम जाता है। वो पानी को हमको हमेशा जैसे सैक्सोफोन बजा के कंप्लीट किया है तो उसके बाद उसको ड्राई करना चाहिए। ड्राई करके रखने से इसका थोड़ा जंग वगैरह लगने का चांसेस कम रहता है। कोई भी चीज़ देखिए, कितना भी अच्छा चीज़ हो, कितना महंगा हो, कितना भी सॉलिड मेटल का हो, फिर भी उसमें अगर मिस यूज़ या गलत जैसे पानी वगैरह अगर उसमें लग जाता है थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या है सब जंग वगैरह लगने का खतरा रहता ही है। जंग एटलीस्ट जंग नहीं है तो कम से कम उसमें यह हो जाएगा कि डिश कलर डिश होने का चांस रहेगा, तो उससे अच्छा हम एक बार मेंटेनेंस करके रखेंगे तो फिर यह वाला डर नहीं रहेगा। तो इसके लिए जैसे मैंने बजा लिया, बजाने के बाद क्या करना, ये जो है एक रुमाल टाइप का है और इस दोनों साइड में ऐसे ये है, तो हमको क्या करना है, मोटा वाला साइड से ये जो भारी ये है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि हर एक सैक्सोफोन में ऐसा चीज़ नहीं आता है, बाकी सैक्सोफोन में एक डालने वाला ब्रश टाइप का आता है, वो उससे भी साफ कर सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा ऐसा एक आप लोग खुद घर में बना सकते हैं, ठीक है ना, बना सकते हैं। मैं ही बनाया हूँ घर में, मैं अपना मम्मी से मैं मम्मी को बताया था बनाने के लिए, मेरी मम्मी बना के दिया है, इस टाइप का है, थोड़ा मोटा कपड़े से बनाया हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छी तरह से डस्ट मतलब अपना जो पानी है वो निकल जाता है। मैं दिखा था निकाल के कैसे निकलता है, तो आप लोग ऐसे ही बना लीजिए, जिनका दोष है वो भी बना सकते हैं, बनाने से फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहले मैं सैक्सोफोन को गले में टांग लूंगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर बाई चांस हाथ से गिर जाता है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें क्रैक हो सकता है 100% और इसका टोन खराब हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी मेंटेनेंस करना भी है तो भी इसको आप गले में टांग के ही रखिए, ठीक है? बिल्कुल सिक्योर करके रखना, बिल्कुल हमेशा ये चीज़। तो इस तरीके से हम डालेंगे इसको, इसके अंदर डालेंगे बड़ा साइड से, ऐसे डाल के सैक्सोफोन को इसको लूज रखेंगे, इसको लूज रखे, इसको अंदर जाने दिया पूरा, फिर ताकि उस सूरा के अंदर चला गया, और इसको धीरे धीरे से ऐसे ऐसे इस तरह से आ गया। देखिए यहाँ से निकल गया, थोड़ा सा निकला, कोई बात नहीं, इतना बहुत है, तो ये हम पकड़ लिया, ठीक है? अभी देखिए ये पकड़ के इस तरह से अगर हम खींचेंगे, या इसका लास्ट एंड पकड़ लिया ये, ठीक है? ये तीन चार बार ऐसे जाएगा तो अंदर का जो भी स्टीम वगैरह रहेगा, पानी वगैरह, वो सारे निकल जाएगा, मैक्सिमम निकल जाता है, मैक्सिमम, ठीक है? इस तरह से, इस तरह से, और फिर इस तरह इस साइड में ला के फिर ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है? इस तरह से आपको पूरा अंदर का साफ हो जाएगा, फिर यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए। ये हो गया, ये इसको हम रख देंगे। इसको रखने के बाद सेम इसके अंदर एक बार डाल दीजिए, ठीक है? इसको तीन चार बार ऐसे कर लीजिए, ठीक है? अंदर का जो भी मॉइस्चराइजर टाइप, जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, पानी है, वो निकल जाएगा, ठीक है? ऐसे करके, और ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि इनका अगर केयर नहीं किया तो मेरा अंदर से बहुत फीलिंग होता है, ठीक है? तो आप लोग केयर करना करना ज़रूरी है। ये हो गया अंदर का पानी का हो गया, और दूसरी बात ये माउथ पीस का को भी ऐसा ही करना है आपको। पहली बात, रीड को हमेशा बजाने के बाद निकल के रखना चाहिए, निकल में निकल के ऐसे स्लोली आप धीरे से ऐसे रख के उसके ऊपर ऐसे रखा था, मैं टाइट नहीं किया था। तो आपको क्या करना है, माउथ पीस को हमेशा बजाने के बाद डेटॉल या सैवलॉन वगैरह जो भी है, जो एंटी मतलब एंटी वायरस को, मतलब वायरस को ख़त्म करता है जो, वो इस पानी में थोड़ा सा डाल के इसको धुलाई करके फिर से रखना चाहिए, साफ करके पानी को कपड़े से, और फिर रखना चाहिए। और इसमें पानी रहता है, यहाँ पे मुंह का काफ़ी वो रहता है, जो हमारा जो स्प्रिट वगैरह यहाँ पे लग जाता है ज़्यादा देर बजाने से, क्या थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। इसको बिना धुलाई करके रखने से बिल्कुल सही नहीं रहता है। तो सबसे पहले इसको पानी में डाल के और डेटॉल या साबुन वाला पानी से धुलाई करने के बाद, ऐसे धुलाई करने के बाद फिर हम इसको उसी टाइम गीले गीले में इसको अंदर डाल के इस तरह से चार पांच बार कर देने से अंदर से साफ हो जाएगा। इससे बहुत फर्क पड़ता है आपको सैक्सोफोन टोन का। जैसे मान लीजिए ये आपने 10 दिन इसको साफ नहीं किया, सपोज दर मैं बता रहा हूँ, 10 दिन आप इसको साफ नहीं किया तो आपको इसमें एक पर जम जाता है अंदर, ठीक है? एक पर जम जाएगा और उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है सैक्सोफोन का, या तो कहीं स्केल डाउन हो जाएगा या नोट ठीक से बजेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है ना? कि हमको इतना अच्छा टोन दे रहा है, इतना अच्छा बजा रहा है, हम सब लोग हमको इतना अच्छा बोल रहा है, किसकी वजह से? सैक्सोफोन की वजह से। और अगर इसका मेंटेनेंस नहीं किया तो क्या करेगा? हाँ, रील के ऊपर एक चीज़ और बताऊँगा, जैसे थोड़ा पुराना हो जाता है तो रीड के ऊपर हल्का सरसों का ऑयल रख सकता है, ऐसे उंगली में लेके ऐसे डालने से इसका लॉन्गिविटी बढ़ जाता है थोड़ा, और दिन ज़्यादा अच्छा रहता है। उसको रात भर रखिए, सुबह फिर बजाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया। और अभी अभी आते हैं बाहर के लिए, मैं बोलूँगा कि बाहर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल बाहर ध्यान से साफ करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्प्रिंग वगैरह बहुत है, इसमें बहुत छोटा छोटा स्प्रिंग है हर जगह पे लगा हुआ, जो भी जितना कीज है उतना स्प्रिंग है, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है? तो इसको अगर बाहर से अगर साफ करना है, बाहर अमूमन क्या होता है, इसमें डस्टिंग जम जाता है, जैसे ओपन एरिया में कभी प्ले करते हैं तो उसमें क्या है, हमको दिखता नहीं वो डस्ट, लेकिन इसको जरूर बैठ जाता है, ठीक है ना? वो चीज़ को हम सभी को साफ करना ज़रूरी है, ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। तो इसी कपड़े से अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो एक अच्छा सा मलमल सा जो कपड़ा होता है उस टाइप का कपड़ा ले लीजिए, और फिर धीरे धीरे
इस तरह से बिल्कुल स्लोली इसको साफ करना है, एक जगह से दो तीन बार चार बार करके, ऐसे करके इस तरह से, और ऐसे करके स्लोली एकदम हल्का हल्का हाथ में, ठीक है ना, इस तरह से आप सफाई करना है ये मोटा वाला हिस्से का, और अंदर का जो भी है ऊपर 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 से मोटा मोटा जो साफ करा उसे साफ कर दीजिए। लेकिन आपको ज़्यादा ही डस्ट अगर अंदर बिल्कुल कीज के अंदर चला गया तो आप इससे साफ कर सकते हैं। इसको दूसरा वाला साइड का खुला हुआ है, इसको इस साइड से ऐसे डाल के साइड से, और जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया है, ये वाला की पे थोड़ा मेरा गंदा हुआ, देखिए मैं यहाँ पे कैसे साफ करूंगा, तो मैं इसको इस तरह से डालूंगा, और ऐसे डाल के इसको थोड़ा सा ज्यादा नहीं हल्का हल्का इस तरह से मैं धीरे धीरे इसको प्रेस करके उसको थोड़ा इसकी इस तरह से बिल्कुल साफ हो गया, देख लीजिए एकदम साफ हो गया। तो ऐसे ऐसे करके ना धीरे 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 आपको जहाँ जहाँ भी थोड़ा बहुत गंदा लगता है उसको ड्राई करना है, सॉरी उसमें डस्ट को साफ करना है, डस्ट को साफ करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपका सैक्सोफोन का कलर खराब हो जाएंगे। और एक चीज, जब भी हम बजाने के बाद इसके अंदर पानी जम जाता है तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे करके पानी को ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन निकालने के बाद जो यहाँ पे रहता है लगा हुआ रहता है जो पानी, उस पानी को तुरंत जल्दी साफ कर देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादा देर तक पानी लगा हुआ रहेगा तो यहाँ पे खराब हो जाएगा, ठीक है, लाल लाल हो जाएगा, उसके बाद फिर जंग आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कुल मिला के सक्सेवन का अंदर बाहर का मेंटेनेंस करने का तरीका, और ये जरूर करना चाहिए, कीजिए आप लोग, आपका सैक्सोफोन बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। मेरा इतना 10 साल करीब हो गया सैक्सोफोन, 2010 दिसंबर मैंने मैंने लिया था, और अभी 2021 मई चल रहा है, तो अभी देख लीजिए इतना साल में मेरा अभी भी लगता है कि नया सैक्सोफोन है, ठीक है। तो मैं इसको मेंटेन करके रखा हूँ, और आप लोग भी रखिए, जो भी इतना पैसा लगा के सैक्सोफोन खरीद रहे हैं, चाहे ज़्यादा पैसे का हो चाहे कम पैसे का हो, उसका कोई मतलब नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट ही होता है, बाकायदा इनका मेंटेनेंस करना हमारा फर्ज है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सबको समझ में आ जाना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंट का रेस्पेक्ट कर सकता है उनको जो जो बिल्कुल ऊपर वाला मास्टर होती उनको आशीर्वाद जरूर करते हैं कि मेरा इंस्ट्रूमेंट ये लोग सेव करके रख रहा है, अच्छा से केयर कर रहा है और अच्छा से बजा रहा है, तो इनको जरूर इनके ऊपर हाथ रखें, तो ऐसा होता है, मैं मानता हूँ ये चीज़। आप इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी ज़्यादा केयर कीजिए, और इसको ये भी आपका साथ देंगे, आप इनका साथ देंगे तो आपका साथ दे देंगे, ठीक है। चलिए इंस्टॉलेशन करके एक बार क्रोमेटिक का मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा आप लोगों को। मैं अभी पहले वीडियो शुरू होने से पहले ही मतलब बातचीत किया था इसके बारे में कि क्रोमेटिक स्केल काफ़ी काफ़ी लोगों को जो मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, और मेरे पास बार बार कमेंट्स और फ़ोन आ रहा है, तो मैं उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी फटाफट एक बार मैं बता दूंगा, जैसे आप लोगों को ताकि फटाफट आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है। मैंने लगा दिया और इसको मैं एक बार ऐसे गीला कर दूंगा, ऐसे ऐसे मेरे को रेड को गीला करना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, पानी में गीला कर दिया, ठीक है। मैं इंस्टॉलेशन मेरा हो गया है, अभी मैं क्रोमेटिक स्केल बजाऊंगा। देख लीजिए आप लोग पिछले जो मैंने मेरा जो वीडियो डाला हुआ है उस वीडियो में मुझे तो लगता नहीं कोई कन्फ्यूज वाली बात है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, पूरा 33 कीज मैं पहले बजाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक कीज करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए क्रोमेटिक स्केल, यहाँ तक ये है लास्ट की, ठीक है, वापस जा रहा हूँ, इससे क्या हमारा सारे की मान लीजिए अगर मेंटेनेंस करते टाइम कहीं कोई स्प्रिंग खिसक गया, थोड़ा इधर उधर हो गया, तो उसमें क्या कोई होल नहीं बंद होता है, उस वजह से क्रोमेटिक स्केल एक बार बजा के देखना जरूरी है। अभी मैं बजा लिया, मुझे यकीन हो गया कि हाँ मेरा सैक्सोफोन का हर एक की सही है, हर एक नोट बज रहा है, माइंड में पता चल जाता है कि हाँ कौन सा नोट गलत बज रहा है, गलत बजने से तुरंत पता चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं जो क्रोमेटिक स्केल बजाया मैं उसको मैं फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला लो नोट इंडियन स्टाइल में क्रोमेटिक में
अल्टो सैक्सोफोन का सबसे लो नोट सी शार्प है, सबसे लो नोट, इससे नीचे कोई नोट नहीं है। और वो किस पकड़ने का तरीका, ऊपर का तीन नीचे का तीन, ये राइट साइड का नीचे वाला और ये लेफ्ट साइड का सबसे नीचे वाला, ठीक है, ऑक्टेव की छोड़ के, क्लियर। ये है सी शार्प, ठीक है, मैं नहीं बजाऊंगा, मैं बताऊंगा और फिर बाद में बताऊंगा, ठीक है, देख लीजिए आप लोगों को फटाफट मैं बता रहा हूँ क्या शिफ्ट कर रहा हूँ। जो पकड़ा हुआ वो पकड़ा हुआ रहने दीजिए, सिर्फ लेफ्ट हैंड का ये वाला उंगली यहाँ से शिफ्ट करना है, छोड़ना नहीं है, यहाँ से शिफ्ट करना है। ये डी है, सी शार्प के बाद डी है, ठीक है, डी है, इसको यहाँ से छोड़ना है, यहाँ से छोड़ना है डी शार्प पे, ठीक है। बाकी जो पकड़ा हुआ है वो सेम पकड़ा हुआ रहेगा, स्टार्टिंग में जो पकड़ा हुआ था, ठीक है। सी शार्प के सॉरी डी शार्प के बाद यहाँ पे आएंगे, ये दिख रहा है ना, ई है, ई, ठीक है, ई है, ई के बाद अभी मैं नीचे का राइट हैंड का चेंज कर रहा हूँ, ये भी छोड़ना है और नीचे का ये भी छोड़ना है, ठीक है, ये भी छोड़ना है और ये भी छोड़ना है। ये हो गया एफ, एफ ऊपर का तीन नीचे का तीन, एफ, एफ शार्प के बाद ये नीचे, एफ के बाद एफ शार्प, ये नीचे वाला एफ शार्प, यहाँ से जाएंगे ऊपर का तीन पकड़ा हुआ है ऑक्टेव की छोड़ के, ठीक है, हम लोअर ऑक्टेव बजा रहे हैं, यहाँ से एफ शार्प के बाद जी जाएंगे, दोनों छोड़ देंगे, जी 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 के बाद जी शार्प, देख समझ में आ रहा है ना, जी शार्प के बाद ए, ए के बाद ए शार्प, ए छोड़ना है ऊपर का तीन, ए शार्प, ए शार्प के बाद बी, बी ऑक्टेव की छोड़ा हुआ है, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बी, बी के बाद सी, सी के बाद ये नीचे वाला लेना है सी शार्प, सी शार्प के बाद डी, ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं, डी ऑक्टेव की छोड़ा हुआ, डी के बाद डी शार्प, डी शार्प के बाद ई, हो गया, ये लोअर ऑक्टेव बज रहा है अभी, यहाँ से थोड़ा और एक मतलब ऊपर जा रहा है तो करके अभी एफ बजाएंगे, ई के बाद जाएंगे एफ पे, तो यहाँ पे ऑक्टेव की लेना है और ऊपर का तीन नीचे का तीन वापस एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, ऑक्टिव की दबा हुआ है अभी, ठीक है ना, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ठीक है। मैं हर एक नोट का अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ, मैं सेकेंड और थर्ड लेसन में मेरा, आप लोग जाके उसमें जरूर देखिए, क्लियर पता चलेगा। अभी मोटा मोटा इसलिए बताया, किसी किसी को डाउट था, अभी लगातार बजा के मैं दिखाया हूँ, ठीक है, मैं स्लोली बजा के आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं चाहे तो मेरे साथ आप बजा सकते हो, देख लीजिए, हाँ एकदम स्लो बजाऊंगा, कहाँ से जा रहा है देख लीजिए, सैक्सोफोन का की पूरा दिख रहा है, फर्स्ट ई, सेकेंड ई के बाद फिर ऑक्टिव की लेना है, ठीक है। ये था, थोड़ा बीच में थोड़ा अटक गया है, क्योंकि स्लोली बजाने में थोड़ा ऐसा होता है, अब इसको लगातार बजाइए तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है सर, कोई नहीं बताएगा सैक्सोफोन में ऐसा चीज़, मैं आपको बताया, आप लोगों को मैं दिल से सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बताया। तो चलिए, मैं अगले लेसन में एक खास बात बोलने वाला हूँ,
हाँ शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना, जो कि हर एक म्यूजिशियन के ज़िंदगी में होना चाहिए वो चीज़। मैं कुछ इस तरह का बात मैं अगले लेसन में करूँगा। तो आज वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मेंटेनेंस कीजिए। और क्रोमेटिक स्केल जिनको डाउट था वो लोग फिर से मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, अगर उनको फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से बता दूंगा एक बार और धीरे धीरे करके, ठीक है। तो आज इतना ही, वंस अगेन मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन जो नए हैं। प्लीज़ अगर अच्छा लगता है मेरा कंटेंट तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सब लोग खुश रहिए, अच्छा रहिए, सब लोगों नमस्कार मेरी तरफ से।